मैं क्यों बंद करूँ, बात ही तो चल रही ना नॉर्मल है। कौन आप? आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पलपल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भगवा गमछा जो है लगातार अपनी मर्यादाओं को लांघता जा रहा है। जहां हिजाब के बहाने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पर उतारू हो गए हैं। पहले ये विवाद सिर्फ कर्नाटक तक सीमित था, अब इस विवाद में हर कोई कितना बड़ा संघी साबित होगा इसकी होड़ चल रही है। तो अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कर्नाटक से शुरू हुआ मामला मध्य प्रदेश पहुंचा, अब मध्य प्रदेश से होता हुआ ये मामला राजस्थान पहुंच चुका है, ताकि लोग ये बात कर सके कि भैया सिर्फ बीजेपी शासित राज्य में ही नहीं, कांग्रेस शासित राज्य में भी संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बात ही तो चल रही ना नॉर्मल। घटना के वीडियो जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार ये किस तरीके की संघी मानसिकता लोगों की बन चुकी है कि किसी के मजहब पर अब सीधा सीधा प्रहार करने पर ये अपनी दिलेरी समझते हैं और ये समझते हैं कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया है। हिजाब के मामले को लेकर के राजस्थान में किस तरीके से घटनाएं सामने आई हैं, पहले उन वीडियो पर नजर डालेंगे और साथ ही साथ ये भगवा गमछा पर कंट्रोल क्यों नहीं पा रही है हुकूमत, इस पर भी बात करेंगे। पर सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जहां बच्चियों को राजस्थान जयपुर में हिजाब पहनने से स्कूल में जाने से रोक दिया। बच्चा
तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से जो संघी मानसिकता से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो हिजाब उतार करके स्कूल में एंट्री देने की, कॉलेज में एंट्री देने की बात कर रहे हैं, पर बच्चियां वहां अपने संवैधानिक अधिकार के लिए जिद करती हुई नजर आती हैं कि हमने यूनिफॉर्म पूरी स्कूल की पहन रखी है, कॉलेज की यूनिफॉर्म पहन रखी है, तो हमें क्यों रोका जा रहा है, क्यों हमें रोका जा रहा है। और फिर वहां पर जो हुटिंग है, जो बहसबाजी है लोगों की, किस तरीके से बच्चियों को डराने के लिए सामने आती है, ये भी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। अब दूसरा वीडियो जो कि प्रिंसिपल से बात करते हुए बच्चियों के परिजन नजर आए हैं, उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। अब वो बच्चे बोले भाई ये कैसे जा रहे हैं, हम लोग तो यूनिफॉर्म में है भाई साहब, वो यूनिफॉर्म में देख ही नहीं यार, हिजाब पहन के यूनिफॉर्म के अंदर है वो, बिना यूनिफॉर्म के यूनिफॉर्म में आई है वो हिजाब। आप दादागिरी करो, ये है वो कुछ नहीं, तो आज से पहले परंपरा अलाउ नहीं थी। अरे पहले दिन से ही करने आपकी मिसेज मेरे यहीं से पढ़ गई है और उसको पूछो, दो साल तीन साल तो फोटो एक्सपर्ट में गूगल लुकाओ, मेरी वाइफ भी यहाँ पढ़ती है, मेरी वाइफ बुर्का पहन के आती है, वो भी यहीं पढ़ती है, वो पहन के आओ, लेकिन यूनिफॉर्म तो प्रॉपर होनी चाहिए। कल मेरे को 50 हमेशा रोकते भी है। दूसरा अभी इस तरह जो माहौल चल रहा है वहाँ का मेन गेट वाला आप बच्चों को बाहर खड़े और ये चीजें ना आप पहले बताओ भाई, इस तरह से कोई पहले हुआ था क्या? नहीं कभी नहीं हुआ, पहली बार ये हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार जो बच्चों को रोका गया है, पहली बार। अरे हमने किसी भी डॉक्टर से अलाउ उस दिन पहन के आओ, हम कोई मना नहीं करते, कॉलेज में कैमरे लगे हुए ना। अरे मेरी भी तो सुनो, जिस दिन विदाउट ड्रेस अलाउ होती है ना उस दिन आप पहन के आओ, हम कोई मना नहीं करेंगे यार, मेरे वाली बच्ची की बच्चे की आपने बोला। अरे सर ये माफी है, अगर कोई आपको लग रहा हो गलती हुई हो माफी है, आप इसको इंटेंस मत बनाओ, माफी है, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आपसे इस चीज के लिए, अगर आपको लगा हो तो कम से कम लड़की आ रही है ना वैसे ही अलाउ करोगे आप लोग सर, अलाउ कर रखा आप लोग इस, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अगर आपको आपको लगाओ गलत इंटेंस नहीं है हमारा, वैसे आ रही है वैसे ही अलाउ तो दोस्तों आपने इस वीडियो को भी देखा जहां साफ तौर पर बच्चियों के जो पेरेंट्स हैं वो प्रिंसिपल से बात करते हैं, पर एक जिद एक सनक दिमाग में सवार है संघी मानसिकता की, जिसको लेकर के पूरा कॉलेज प्रशासन जो है अड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसकी तस्वीरें सामने आई और इन तस्वीरों पर बात करना लाजमी हो चुका है। कल तक कर्नाटक था, मध्य प्रदेश था और अब राजस्थान है और ना जाने कहां कहां से इन संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को बल मिलेगा और वो इसी तरीके से हिजाब को लेकर के हमलावर होते रहेंगे। ये क्या देश का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है भगवा गमछा द्वारा, इस पर भी बात करने की जरूरत है। आपको बता दें कि भगवा गमछा धारी गुंडों पर अंकुश लगाकर हिजाब जैसी अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। स्कूलों में अक्सर ड्रेस कोड होता है और होना भी चाहिए, लेकिन इसको बहाना बनाकर किसी की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हिजाब की बात करें तो ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसको मुसलमानों को प्रताड़ित करने का जरिया बना दिया गया है।
जिस तरह यूनिफॉर्म के ऊपर सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, इसी तरह अगर स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर बुर्का या हिजाब पहन लिया जाए तो इसमें किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूलों से संबंधित इस तरह के मामले स्कूल प्रशासन के अधिकारी क्षेत्र में आते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सरकार या फिर अदालत इनका समाधान कर सकती हैं। लेकिन गुंडों को इन मामलों में दखल देने का अधिकार किसने दिया, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। भाजपा शासित प्रदेशों में चूंकि गुंडे भी सरकारी संरक्षण भी गुंडागर्दी करते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन भी उनकी गुंडागर्दी का मुख्य दर्शक बना रहता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने से बचता है, या कार्रवाई यदि करता भी है तो पीड़ितों को ही आरोपी बना देता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि भगवाधारी गुंडों पर जिस दिन अंकुश लगा दिया जाएगा उसी दिन अनेक मुद्दों को समाप्ति मिल जाएगी। ये तस्वीर देश में जो खराब हुई है वो भगवाधारी गुंडों की वजह से हो रही है, जहां हर जगह हिजाब का विवाद पर बवाल मचा करके ये लोग अपने आकाओं से पीठ तो थपथपा रहे हैं पर देश की कितनी बदनामी हो रही है और संविधान की ये लोग किस तरीके से धज्जियां उड़ा रही हैं, इसे देश और दुनिया के लोग देख भी रहे हैं और इन लोगों की जम करके थूथू भी हो रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।